हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ यूलिप्स प्लान के जो रिव्यू है वो, या तो इसको हम न्यू जनरेशन ऑफ यूलिप प्लान भी बोलते हैं या तो न्यू एज यूलिप्स के नाम के भी ये जाने जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है और आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं ये वीडियो में आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कैसा है कि जो ये ट्रेडिशनल यूलिप्स हुआ करते थे उसकी इमेज जो होती थी वो बहुत ही बैड इमेज होती थी। ये बेसिकली मार्केट के अंदर 2002 या 3 के अराउंड आए, लेकिन इसकी इमेज इतनी बेकार हो गई थी कि मैं बताऊं कि उसका रीज़न ये था कि ये बहुत ही हायर कॉस्ट के आते थे। इसके अंदर कैसा था कि मिस सेलिंग होता था इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स लोगों को बिग कमीशन मिलता था। इसलिए अगर आप इसके पीक टाइम पे देखें तो 2005 से लेकर 2010 इसका पीक टाइम चल रहा था। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ने ये प्रोडक्ट को मिस सेलिंग करके बहुत ही लाखों रुपये का, करोड़ों रुपये का जो है ये यहाँ पर कमीशन अर्न किया है, और इन्वेस्टर्स लोगों को मिस गाइड करके। तो ये जो यूलिप होते थे वो मिस सेल किए गए, वन ऑफ द हाईएस्ट मिस सेलिंग किए गए प्रोडक्ट्स है। फिर ये हाईली ओपेक थे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि उसके अंदर कैसा है कि कोई भी प्रकार के चार्जेस होते हैं या तो जो फंड की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होती है वो बाहर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये हाईली ओपेक माने जाते थे। और इसके अंदर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, स्विचिंग कॉस्ट, मॉर्टेलिटी कॉस्ट और ऐसे डजन से भी ज़्यादा चार्जेस हुआ करते थे। और इतने नहीं, कई यूलिप्स तो उस जमाने में ऐसे हुआ करते थे कि उसका जो फर्स्ट प्रीमियम, जैसे कि एनुअल फर्स्ट प्रीमियम 1 लाख रुपये का होता था, तो उसमें से फर्स्ट प्रीमियम में से अप टू 45% तक का प्रीमियम अलोकेशन चार्ज है वो कट हो जाता था, और उसमें से बहुत सारा अमाउंट इंश्योरेंस एजेंट्स को पे करने में चला जाता था। तो ये जो होते थे वो ट्रेडिशनल यूलिप्स माने जाते थे, कि जो कि हाईली ओपेक और बहुत ही कॉस्टली होते थे। तो ये जो यूलिप है इसकी इमेज बहुत ही बैड हुई थी। अभी यहाँ पे आज के डेट में कैसा है कि आज के डेट में, मतलब आफ्टर मैं बताऊँ 2014-15, मतलब लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर देखा जाए तो न्यू जनरेशन के यूलिप्स आए। मतलब जो इरडा है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि इस टाइप से एक्चुअली मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एक्चुअली ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इसलिए ये लोग जो है वो आज के डेट के न्यू एज यूलिप्स लेके आए, जिसको मैं फिफ्थ जनरेशन यूलिप बोलता हूँ, या तो आप न्यू टाइप के यूलिप आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली रीडिज़ाइन किए गए हैं एंटायर कैटेगरी और प्रोडक्ट के अंदर, और ये मोर ट्रांसपेरेंट हो गए हैं आज के डेट में। तो इसीलिए आपको एक्चुअली इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो मेन मोटिव यहाँ पर होता था वो कॉस्ट को कट डाउन करना होता था। तो एक्चुअली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो पॉसिबल बनाया गया, और बहुत सारे जो ये न्यू जनरेशन यूलिप्स है उसके अंदर प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है पॉलिसी के, उसको नील कर दिए गए। और या तो कई केस में अगर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होते थे वो बहुत ही नॉमिनल रखे होते थे, जैसे कि 400 रुपीज पर ईयर या ऐसे नॉमिनल फंड मैनेजमेंट चार्ज, सॉरी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज रखे गए थे। तो ये दोनों चार्ज को ऑलमोस्ट रिड्यूस करके, नील करके, ये जो इफेक्टिव रिटर्न है इन्वेस्टर्स का, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ाने लगी। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये जो यूलिप्स है न्यू एज के, तो वो एक्सट्रीमली लो चार्जेस और कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं। अभी यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे जो यूलिप्स है न्यू जनरेशन के वो आपको बोनसेस भी देने लगे, जैसे कि एक टाइप का बोनस पॉपुलर है वो है फंड बूस्टर। मतलब कि अगर आप पूरा पॉलिसी का टर्म अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर प्रीमियम का जो होता है वो आपको फंड बूस्टर की तरह बोनस दे देते हैं। फिर लॉयल्टी बेनिफिट्स भी होते हैं जिसमें भी आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर प्रीमियम होता है वो बोनस के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद कैसा है, इतना ही नहीं, इसमें जो मॉर्टेलिटी चार्ज होते हैं, जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर बाय करने के लिए जाते हैं, तो वो मॉर्टेलिटी चार्जेस भी पॉलिसी का टेनर खत्म होने के बाद मनी बैक का ऑप्शन यहाँ पे होता है। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ल्यूर करने के लिए ये जो न्यू जनरेशन के यूलिप्स है वो लाए हैं। दूसरा कैसा है कि जो कई यूलिप्स तो है वो स्विचेस है वो फ्री कर दे है, मतलब आपके जो अपना मनी जो है वो आप एक फंड से दूसरे टाइप के जो उसके ऑप्शन के अंदर जाते हैं यूलिप के अंदर, तो वो स्विचिंग फ्री कर दिए है और अनलिमिटेड स्विचिंग भी फ्री कर दिए है। और मैं बताऊं कि ये दूसरे कोई भी एसेट क्लास की कैटेगरी के अंदर ये नहीं आता है। मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड में, अगर सेम फंड हाउस के अंदर इक्विटी में से डेट या उसमें से लिक्विड फंड के अंदर आपका मनी मूव करना है, तो बेसिकली मैं बताऊं कि आपको एग्जिट लोड और स्विचिंग चार्ज के दिए बिना ये
नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल यूलिप्स की बहुत अच्छी हो गई है। और दूसरा कैसा है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज है उसको फिक्स कर दिया है इरिडा ने, लेस देन 1.5% कर दिया है पर एनम। तो ये एवरेज एक्चुअली 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज हो गया है, जो कि अगर आप इसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है एक्टिवली मैनेज फंड के चार्जेस, तो वो एन्यूअल चार्ज है वो 2 to 2.5% है। तो अगर इसको आप यूलिप के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यूलिप के ये जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो बहुत ही एफोर्डेबल और कम हो गए हैं, जो कि अराउंड 1.35% है। उसके बाद कैसा है कि ये जितने भी प्लान्स है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो गए हैं। तो ये डायरेक्ट प्लान है, मतलब आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से ये प्लान बाय कर सकते हो और बीच में कोई एजेंट नहीं आता है। तो एक्चुअली कैसा है कि ये एजेंट का कमीशन और ये सब है वो चीज़ भी कट हो जाती है, तो आपको एक्चुअली बेसिकली बेनिफिट मिलता है। तो ये एक्चुअली न्यू जनरेशन के प्लान है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लान माने जाएंगे कि ये जो न्यू जनरेशन के जो प्लान्स है वो बहुत ही पॉपुलर होने लगे हैं आजकल। तो मैं चलिए आपको मैं थोड़े बहुत यहाँ पे प्लान्स दिखाता हूँ, न्यू जनरेशन के जो प्लान्स है वो यहाँ पे कौन से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसके पहले मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि ये हमारा इन्वेस्टर चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ये सब्सक्राइबर काउंट है वो यहाँ पे बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है। मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे हो गए हैं, तो आप बेसिकली ये यहाँ पे रूटीन आके ये जो वीडियोस है एजुकेशनल वीडियोस उसको देख के उसके अंदर से प्रॉपर आप फाइनेंशियल और मनी मैनेजमेंट की एडवाइस या नॉलेज, अपना फाइनेंशियल जो IQ है वो गेन कर सकते हैं। और उससे आप कैसा है कि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर और फाइनेंशियल प्लानिंग या तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इफेक्टिव आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये हमारा पूरा वीडियो लाइब्रेरी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अभी यहाँ पे कैसा है कि देखिए अभी एक जो न्यू एज का जो प्लान है, ये जो प्लान है HDFC का प्लान है, ये क्लिक टू वेल्थ प्लान है। तो अगर इसके चार्जेस देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे नील हो गए, जो कि पुराने जमाने के जो यूलिप होते थे उसके अंदर ये प्रीमियम अलोकेशन चार्ज अप टू 45% हुआ करते थे तो फर्स्ट प्रीमियम के, जिसके अंदर से वो बहुत सारा इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दिया जाता था। तो ये दोनों चार्ज यहाँ पे नील हो गए। और उसके बाद फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो यहाँ पे इक्विटी के फंड को मैनेज करने का चार्ज 1.35% पर एनम फिक्स है, और जो डेट फंड है उसको मैनेज करने का चार्ज 0.8% है, वो भी बहुत रीजनेबल माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉर्टेलिटी चार्जेस दिए गए हैं, जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो देने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद कैसा है कि ये देखिए HDFC का क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजमेंट चार्ज जो है वो 1.35% पर एनम फिक्स किया गया है, और उसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियल विथड्रॉल चार्जेस या स्विचिंग चार्ज है, तो 4 स्विचेस और 4 पार्शियल विथड्रॉल पर ईयर जो है वो फ्री है। उसके बाद सिर्फ नॉमिनल चार्ज 250 रुपीज लेते हैं, तो ये सब टाइप के जो चार्ज है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं। और मॉर्टेलिटी चार्ज है सिर्फ वही एक चार्ज यहाँ पे रह जाता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज और मॉर्टेलिटी चार्ज यही दो चार्ज यहाँ पे रह जाते हैं, जिससे आपका ये जो मॉर्टेलिटी चार्ज है उसमें से आपका लाइफ कवर यहाँ पे बाय किया जाता है। फिर ऐसा ही एक प्लान यहाँ पे है बजाज एलियंस का गोल एश्योर प्लान, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज इन लोगों ने नील कर दिया है, और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है यहाँ पे, तो ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कैसा है कि 400 रुपीज़ पर एनम फिक्स है, और वो इन्फ्लेशन के साथ सिर्फ 5% पर एनम बढ़ता है, तो ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज माना जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये का और इस टाइप का यहाँ पे आप प्रीमियम लेंगे तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज माना जाएगा। और फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो भी आप इक्विटी के देखते हैं तो सिर्फ 1.35% है, 1.25 to 1.35% है, तो वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं एक्टिवली मैनेज उसके कंपैरिजन में ये चार्ज बहुत ही रीजनेबल माने जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये मॉर्टेलिटी चार्ज है वो तो यहाँ पे है ही, जो आपके एज के हिसाब से होते हैं लाइफ कवर बाय करने में हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे कैसा है कि अभी ये यहाँ पे तो फिर चीज़ क्या है कि तो फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पे अभी इतना वीडियो देखने के बाद ये आएगा कि आपको बेसिकली अभी यूलिप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी कैसा है कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान अभी आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊं कि क्लियर कट आंसर है नो, आपको यूलिप में इन्वेस्ट आज के डेट में भी नहीं करना चाहिए, भले भी ये न्यू जनरेशन के प्लान यहाँ पे माने जाते हो और इसको न्यू एज यूलिप करके यहाँ पे प्रमोट किए गए हो और ये बहुत सारे जो चार्जेस है उसको एबोलिश
कर दिए गए हो, फिर भी मेरे हिसाब से आपको ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न यहाँ पे ऐसा है कि उसका एक सिंपल रीज़न यहाँ पे ऐसा है कि ये जो यूलिप है वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ये दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट है यहाँ पे। और ये मैं आपको अभी यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये जो यूलिप्स है वो आपको ना ही एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं, ना ही आपको ऑप्टिमल रिटर्न देते हैं। तो इसलिए कैसा है कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, आपका ये जो दो नीड है वो आपको हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यूलिप, अगर न्यू एज के भी यूलिप लेंगे तो ये न्यू एज के भी यूलिप आपका रिटर्न कैसे रिड्यूस कर देंगे ये मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है यहाँ पे freefincal.com वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है डॉक्टर एम पत्ताबीरामन की है, जो कि IIT मद्रास के एसोसिएट प्रोफेसर है, और इनकी मनी मैनेजमेंट पर की एडवाइस है वो बहुत ही जानी मानी जाती है। अभी इनका एक वेबसाइट का आर्टिकल है जिसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अंदर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। इनके हिसाब से कैसा है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे मॉर्टेलिटी चार्ज स्काई हाई होते जाते हैं, और ये जो है आपके 45 ईयर्स के एज के बाद ये जो मॉर्टेलिटी चार्ज बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो वो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो होता है यूलिप के अंदर से वो रिड्यूस कर देता है। उन्होंने यहाँ पे नीचे एक्चुअली एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने दिया है कि सिर्फ मॉर्टेलिटी चार्ज का इंपैक्ट कितना होता है। तो ये 10 साल का टेबल अगर आप देखते हैं तो 10% अगर NAV का रिटर्न आता है तो ये बात सही है कि आपका इक्विटी ने 10% परफॉर्म किया, लेकिन उसमें से अगर मॉर्टेलिटी चार्ज कट कर जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका इफेक्टिव प्रीमियम हो जाएगा 8.92%, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे मॉर्टेलिटी चार्ज बढ़ेगा तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा। तो ये आर्टिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंश्योरेंस के अंदर, अगर आप यूलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ ये मॉर्टेलिटी चार्ज एज बाय एज बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये जो मॉर्टेलिटी चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 से 60 ईयर्स की एज पे ये मॉर्टेलिटी चार्ज यहाँ पे डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये मॉर्टेलिटी चार्ज आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे मॉर्टेलिटी चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कैसा है कि इससे तो बेटर है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2-2.5% NM फिक्स दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट करना चाहेंगे कि तो लेकिन इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी तो कवर करता है जो यूलिप होता है प्लान, तो जबकि ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड है वो हमें कहाँ लाइफ इंश्योरेंस का कवर देते हैं, तो यूलिप बेटर ही हुआ ना यहाँ पे। और अगर आप यूट्यूब पर भी या कहीं पर भी इंटरनेट पर अगर आप ब्रांड स्पॉन्सर वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर जितने भी, मुझे एक बात यही दुख होता है, अफसोस होता है कि जितने भी यहाँ पे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या तो जितने भी एडवाइजर्स या गुरुज है वो लोग हमें जो यहाँ पे रिटर्न, वो लोग कभी भी इनके वीडियोस के अंदर ये जो न्यू एज के यूलिप के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उनके अंदर ये जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल गुरुज है वो कभी भी इंश्योरेंस कवर के बारे में कुछ भी बात नहीं करते। तो मैं बताऊं कि यहां पे हकीकत क्या है, तो हकीकत के लिए अगर आपको जाना देखना चाहिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है मिस्टर धीरेंद्र कुमार का, जो कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के CEO है, उनका कैसा है रिव्यू कि व्हाई यूलिप्स आर यूजलेस एज इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और दूसरा कैसा है उनका आर्टिकल यहाँ पे, ए यूलिप अलोन वोंट गिव यू सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस, हियर इज व्हाई। तो ये बहुत ही दोनों आई ओपनिंग आर्टिकल्स है जिसको मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको संक्षिप्त में एक्चुअली बता दूँ तो मिस्टर धीरेंद्र कुमार का यहाँ पे ये बोलना है कि अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है तो आपको एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से 10 times योर एनुअल इनकम मिनिमम आपको लाइफ कवर चाहिए, मतलब 1 करोड़ रुपये का लाइफ कवर चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेथ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपये अगर आपके नॉमिनी के पास नहीं है तो उसमें से वो आपका जो 10 लाख रुपये एनुअल इनकम है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तो 1 करोड़ रुपये का लाइफ कवर चाहिए। तो धीरेंद्र कुमार के हिसाब से कैसा है कि अगर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर यूलिप में से अगर आपको लेना है तो आपका पूरा ये जो सैलरी है वो यूलिप में ही डालना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 करोड़ का कवर नहीं ले सकते, क्योंकि यूलिप्स जो है वो आपको अपना एनुअल प्रीमियम है उसका 10 गुना ही आपको लाइफ कवर देते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपये का प्रीमियम पे करते हैं एवरी ईयर यूलिप के अंदर तो आपको जो लाइफ कवर यहाँ पे मिलता है वो सिर्फ 10 लाख रुपये का मिलता है, और अगर आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए तो आपको 10 लाख रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जबकि तो धीरेंद्र कुमार का यहाँ पे ये मानना है, और मैं भी इनके साथ एक्चुअली सहमत हूँ कि अगर आपको मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल ही है जो कि है टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो आपको 6-7 हज़ार रुपये में, मतलब मैक्सिमम अगर आपका 30-35 ईयर्स है और अगर आप नॉन
स्मोकर है तो 8 से 10 हज़ार रुपये में ये आपको 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर देते हैं, जो कि सफिशियंट माना जाता है। उसके अलावा तो कैसा है कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप बाय कर लेते हैं और बाकी का पैसा अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर रहता है। क्योंकि इनका दूसरा कहना ये भी है कि ये आर्टिकल के अंदर कि अगर सपोज आप अपना जॉब इंश्योर अगर आप अपना जॉब लूज कर देते हैं, और ये पॉइंट ऑफ टाइम सबके लाइफ में ये पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आप जॉब लूज कर देते हैं अपना, तो उस टाइम पे एक्चुअली कैसा है कि आपको यूलिप के हैवी प्रीमियम भरने ही है। जबकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है तो आप एक्चुअली 8 से 10 हज़ार रुपये के पर एनम में टर्म इंश्योरेंस प्लान कंटिन्यू रख सकते हैं, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस या तो आपका जॉब लॉस चल रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि ये जितने भी यूलिप्स है वो आपको ना तो सफिशियंट लाइफ कवर देते हैं, ना ही ये आर्टिकल के हिसाब से ये जो है वो आपको सफिशियंट इंश्योरेंस के रिटर्न देते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं पर्सनली अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि किसी भी टाइप के यूलिप या तो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनसे आप दूर रहिए। आपको लाइफ कवर जो बाय करना है एडिक्वेट, उसके लिए आप प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो खरीद लीजिए। बहुत सारे कंपनी के प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है, और बाकी का जो पैसा है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म 10 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो बेटर और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है इन कंपैरिजन टू यूलिप। तो इसीलिए आपको अगर आप इन्वेस्टा के व्यूअर्स है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपको कोई भी प्रकार के यूलिप से यहाँ पे दूर रहना है। अभी दोस्तों आपको कोई भी कमेंट या सजेशन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या तो मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ईमेल भी मैं नीचे दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।